मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि श्री ललित कुमार उपाध्याय को अभी एक वर्ष पहले ही हमने टोक्यो ओलंपिक में मेडल दिलाने के लिए सीधे डिप्टी एसपी का पद दिया है। अब वो खेल भी रहे हैं और साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस बल का भी मान बढ़ा रहे हैं, वहां भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने क्रिकेट के लिए सुश्री दीप्ति शर्मा को, एथलेटिक्स के लिए सुश्री पारुल चौधरी को, शूटिंग के लिए अखिल स्योराण को, कबड्डी के लिए अर्जुन देसवाल को, इन सबको हम लोगों ने डिप्टी एसपी बनाया है, सीधे डिप्टी एसपी बनाया। इन्होंने मेडल जीता है इसलिए डिप्टी एसपी बनाया है। विजय कुमार यादव और सुश्री दिव्या काकरान को नायब तहसीलदार की नियुक्ति दी है। अर्जुन सिंह केनो स्प्रिट खिलाड़ी हैं, इन्हें यात्री कर अधिकारी के रूप में, और सुश्री प्राची को, यह एथलेटिक्स है, इन्हें और पुनीत कुमार जो रोइंग खिलाड़ी है, इन्हें जिला युवा कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्ति भी प्रदान कर दी गई है। ऐसे 500 खिलाड़ियों को हमने नियुक्ति पत्र दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस बल में और अन्य विभागों में, सरकारी नौकरी में सीधे उन्हें नौकरी उपलब्ध करा दी है। और अब बारी आ गई है राजकुमार पाल की भी। अभी जब मैं मंच पे आया था, श्री ललित कुमार उपाध्याय जी के माता पिता जी को मैंने देखा, दोनों एक सामान्य परिवार से, लेकिन परिवार के लिए कुछ करने का एक तमन्ना का भाव था। मां बाप की साधना पुत्र की उन्नति के रूप में सामने आता है। ललित कुमार उपाध्याय मां बाप की साधना का परिणाम है, श्री तेज बहादुर सिंह की साधना का परिणाम है, और आज ये होनहार खिलाड़ी हॉकी इंडिया का ताज बनकर के भारत का गौरव बढ़ा रहा है। तो एक गरीब परिवार में मात्र 11 वर्ष की उम्र थी, पिता की साया उड़ गई, लेकिन मां ने हिम्मत नहीं हारी। तीन तीन पुत्रों को पढ़ाने का दायित्व, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ खिलाना भी है, क्योंकि जब खेलेगा तभी खेलेगा। और राजकुमार पाल और उनके दोनों भाइयों ने मेहनत किया, इसी स्टेडियम से आगे बढ़े। आज तीनों आगे बढ़ते हुए, राजकुमार पाल तो हॉकी इंडिया के सदस्य बने और अभी पेरिस ओलंपिक में उन्होंने भारत को मेडल दिलाने में योगदान किया। बहनों और भाइयों, इसका मतलब अब राजकुमार पाल भी सीधे डिप्टी एसपी बनेंगे। उनकी माता की साधना सार्थक हुई और पिता जहां भी होंगे आशीर्वाद दे रहे होंगे।